दोस्तों, आज मैं आपको एक घसती छेनाल के बारे में बताऊंगा जो बहन की लोड़ी बहुत चुतती थी, जो चुत चुत के कती रखेल और रांड बनी हुई थी। आज के कैसे उसे एक लड़के ने अपनी रखेल बनाया, अनजान लड़की को। देखिए, वो एक मुठ मार रही होती है, फिर वो जाती है एक क्लब में वहाँ दारू पीती है और लड़कों को देखते हैं कि आज मैं किससे छूदूंगी। तभी उसे पीछे से एक लड़का पकड़ लेता है और उसकी फिर उसे वो पानी पिलाता है, उसकी जान वान खराब कर देता है। तो लड़का देख के वैसे ठरकी सा होता है। इसकी गर्लफ्रेंड भी साथ रहती है, जो पीछे छोड़ने की फिर रात में रहता है। ये देखते हैं उड़ गया, और ये फिर किसी और को ले जाती है अपने साथ बाहर। उसका पहले तो मुँह में लेती है और चूसती है और फिर उसे दबा कर, फिर वो लड़का उसे ना गाड़ी में से देख रहा होता है, वो ये कह देता है। और फिर वो अपनी बंदी से कहता है कि तू भी मेरा ना ऐसे चूस। और ये इस टाइम पर ये लगातार दबा के कोड़ी बन के झुकड़ी होती है। और फिर वो अपनी बंदी को भी ऊपर बैठा के चूमता है और ये झुक के गांड बरवा रही होती है, घोड़ी पोज में लेती है, दबा के चौंकता वो पीछे वाला इसका बंदा। और ये फिर अगले दिन पार्क में जाती है, तो पार्क में जाती है तो उसके पीछे वही बंदा लग जाता, कल वाली पार्टी वाला। वही वो कह देता बहन छोड़ूंगा नहीं, तो आज तो चौथ गया मारूंगा। ये एटीट्यूड दिखाती है और आगे भागती है। वो बंदा पीछे पीछे भागता है, छोड़ूंगा नहीं। फिर वो पोल में बैठता है और ये नीचे से अपनी चूत दिखाती है, फिर वो भाग जाता है। फिर ये अपनी उसके साथ बैठी रहती है, वो ये कह देती है मैं ना दो बंदों से चुपती हूँ, जो मेरी शादी होने वाली है वो तो चौथे गई, इससे भी चुपती हूँ। फिर वो लड़का उसे अगले दिन फिर झूले के पास बैठ मिलता है, फिर उसे घर ले जाता अपने घर चल। और फिर घर ले जाकर उसे दबा के उसके मुँह में डंडे देता है और वैसे भी दबा के चुपता है उसके मुँह में वो झाड़ देता है उसके। और फिर कोटे करके चौंकता है और ऊपर बैठा बैठा के चौंकता है, हर पोजीशन में चौंकता है। लड़की उठती तो मज़ा आ गया। फिर वो बाहर घूमती है, फिर ऐसी घूमती रहती है वो फालतू बनते में। और लड़का आता है, लड़का फिर उसे दोबारा ले जाता कमरे में और फिर उसे दबा के चौंकता है, घोड़ी बना के चौंकता है उसे। फिर वो खुश होती है, उससे वो भी उससे लगाव करने लग जाती है कि हाँ ये मेरा चौंकता तो है, फिर लगाव करता है। फिर उसको मुँह में भी लड़ देता हूँ, कह देते मुझे अच्छा हुआ मुँह में लड़ नहीं, ना तुम ऐसे ही देते रहा करो। अच्छा ठीक है, सही बात है। वो लड़का अपने पापा के साथ टीवी देख रहा होता है, उसके पापा की तबीयत खराब होती है, उस रात में से फिर वो चौंकता है। फिर उसके बाद आके उसका पापा की तबीयत खराब होती है, वो अपने बाप से ऐसे डिस्कस करता रहता है। ये क्लब जाती है पर क्लब में इसका चुतने का मन नहीं होता, तो ये उससे फोन करती है मैं तुम्हारे पास जाऊँ। वो कहता था ठीक है आ जाओ। अगर चले जाता है तो वो उसे चौंकने की कोशिश करता है, फिर ये वहाँ से भाग जाती है। फिर अकेले जाके एक रूम में लेट जाती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने मना कर दिया। फिर एक लड़के को और को बुलाते हैं, कह देते हैं तुम मुझे छोड़ दोगे। और लड़का कहा ठीक है मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोड़ मिल रही है। फिर लेकिन वो कहती थी हाँ तो पर झड़ना मत, तुम दबा के छोड़ देना। फिर वो लड़का अपनी बंदी से चुसवार होता है, पर वो कह देते मेरे को ना उसमें फीलिंग आती है, मेरे को ना तुम्हें फीलिंग आनी बंद हो गई। और ये अपनी उससे बात करती रहती है फ्रेंड से। फिर उसके बाद ये क्लब जाती है, फिर उसके लड़के के घर जाती है और लड़के के बाप से मिलती है। लड़के का बाप इसे डिस्कस करता है कि फीलिंग रहती है। लड़का पार्क में बैठा रहता है, वो धूम से खड़ा होता है। फिर उसके बाद ये एक फंक्शन में भी मिलती है उससे, और फंक्शन में ये उससे नज़रें चुराती है, कह देते मुझे तुमसे छोड़ने का कोई इरादा नहीं है। पर लड़का में कह रहा था तेरे को तो छोड़ के छोड़ूंगा, ऐसे कहते छोड़ दो। पर लड़का उसे रूम में ले जाता है, वहाँ भी फेम है उसे दबा के चौंकता। वो ये कह देती है मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ, तुम मुझे इतना अच्छी तरीके से चौंकते हो। तो दोस्तों ये देखिए आपने कि कैसे एक लड़की को चुद कर कितना अच्छा लगता है। देखते रहिए।